सॉरी शिवराम कृष्णा, इलेक्शन में बिजी था इसलिए तुझे वेट करना पड़ा। वैसे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बाबू? सारी दुनिया जब शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में आगे बढ़ रही है, तब यहाँ पर बच्चों को उनकी शिक्षा से दूर करके उनके स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है। उसका सबूत है रवि यादव की ग्लास फैक्ट्री। इस तरह खतरनाक हालात में काम करने की वजह से अब तक सिलिकोसिस बीमारी से 157 बच्चे जान गंवा चुके हैं। ऐसे अन्याय के कारण जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए उन्हें लेबर बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग शांत बैठे हुए हैं और उसकी वजह है रवि यादव का डर। लोकल डब्बा चैनल में जर्नलिस्ट है ये। 30,000 की सैलरी पर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे धंधे पर 1 घंटा 23 मिनट का आउटपुट रेडी किया है। अब ये अपने पैशन में इतना सीरियसली काम कर रहा है तो अपने प्रोफेशन में, अपने एरिया में सावधानी बरतनी चाहिए थी। सॉरी भाई। सर, आपकी गतिविधियां गलत है। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। आप अपनी फैक्ट्री बंद कर दीजिए। मरते समय भी संस्कारी बातें करना, समाज के बारे में सोचना, ये देख कर मुझे फक्र हो रहा है। जो हमरा है उस पर कोई और अपनी नजर डाले तो उसे खोज कर हम मारता हूँ। यू कैन किल मी सर, बट नॉट माई एम्बिशन। इसे पूरा करने के लिए जरूर कोई ना कोई आएगा।